भाई मैं तो ना घर का रहा ना घाट का। बहुत पूछने पर पता चला कि मेरे कपड़ों के बारे में झूठ बोलने वाला इंसान और कोई नहीं, ये है ये। इसलिए जब इनसे मुलाकात हुई मैं अपना आपा खो बैठा। साई आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? शुक्रिया साई, मेरा सारा दर्द चला गया। पर साई ये बिना सिर पैर की बात कर रहा है। हो सकता है गुस्से में मैंने दो चार लोगों को कुछ कहा हो, पर उससे क्या होता है? क्या मैंने इसकी दुकान जलाई या इसका खून बहाया? लेकिन मेरे साथ जो इसने बुरा किया है, मुझे उसका न्याय चाहिए। मुझे उसका न्याय चाहिए साईं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तुम्हारे कारण मेरे परिवार को भूखा मरने की नौबत आ गई है। साईं, साईं आप मेरे साथ इंसाफ कीजिए। तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया, तुमने मेरे साथ गलत किया है। अरे तूने मेरे साथ बेईमानी की है। पार्वती, पार्वती आई। अरे आओ, अंदर आओ, आओ। आहो, ये कौन है? पहचानो? मेरी मौसेरी बहन याद है? तुलसा ताई? लेकिन इनकी ऐसी हालत कैसे हुई? तुलसा ताई कैसी हैं आप? अकेली आई हैं? ताई आइए अंदर। अरे घबराइए मत, आइए ना ताई। बैठिए।
बताई। लीजिए ना। माँ हम आ गए। ये कौन है आई? तुम्हारी तुलसात्या। तुम्हें याद है तुम बहुत छोटी थी जब इनसे मिली थी। जाओ आत्या के पैर पड़ो। ये कौन है? ये मल्हारी है, तुम्हारा भतीजा। तुम पहले से नहीं मिली हो। बाबा इनके कपड़े इतने गंदे क्यों हैं? क्या ये गरीब है? मल्हारी ताई आइए मेरे साथ। घबराइए मत, आइए ना, आइए। मल्हारी इधर आओ। बेटा किसी के भी बारे में ऐसा नहीं कहते हैं। तुम्हारी बुआ इतने दिनों बाद आई है और बारिश का मौसम है, कपड़े खराब हो जाते हैं। जैसे कि तुम्हारे कपड़े, तुम बाहर से खेल कर वापस घर लौटते हो तो कैसे तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाते हैं? ठीक वैसे ही। शमा बाबा आगे से ऐसा नहीं कहूंगा। कोई बात नहीं, जाओ जाके खेलो। जाओ दीदी चलो हम खेलने चलते हैं। मैंने ताई को स्नान के लिए पानी और कपड़े तो दे दिए, लेकिन तुलसा ताई आपको मिली कहाँ? और उनका ऐसा हाल क्यों है? खंडोबा मंदिर में आई थी वो। मुझे लगता है कि देर रात शिरडी पहुंची होगी वो। बस इसी कारण हमारा घर नहीं ढूंढ पाई होगी और इसीलिए वो खंडोबा मंदिर पहुंची। ये सोचकर कि सुबह तो मैं मंदिर पहुंचूंगा ही, ऐसा लगता है मुझे। लेकिन उनके पति नहीं आए उनके साथ? पूरे रास्ते भर में उसी के बारे में पूछता आया, लेकिन उसने कुछ जवाब ही नहीं दिया। मुझे लगता है बहुत थकी हुई है वो, कुछ देर आराम कर ले फिर बात करेंगे उससे, शायद सब ठीक ही होगा। मेरे लिए तो खुशी की बात यह है कि इतने दिनों बाद वो हमारे घर लौटी है। ठीक है तो आप दोनों को न्याय चाहिए, जरूर मिलेगा, पर न्याय मैं नहीं वो करेगा। वो जो ऊपर है, वो जो सब कुछ देख रहा है, वो इंसाफ करेगा। भगवान, भगवान हमें न्याय देंगे? आपको पूरा विश्वास है साईं? वो तो दाता है, जब वो सब कुछ देता है तो न्याय भी जरूर करेगा, जरूर देगा न्याय। श्रद्धा, सबूरी, क्या कागज के दो टुकड़े मिलेंगे? हाँ साईं। ये तुम लोग अब भगवान को खत लिखो। हाँ हाँ, भगवान को खत लिखो और तुम्हें जो भी शिकायत है उसमें विस्तार से स्पष्ट रूप से लिखो।
उसका जवाब जरूर आएगा। श्रद्धा समरी। उन्हें दो कलम। कलम दो। मेरा भी हो गया साई। अब इसका क्या करें साई? अब बाहर जाओ, इन खतों को हवा में उछालो और उड़ जाने दो। ठीक है साई, जैसा आप कहें। अंदर आ जाओ, आ जाओ और यहां बैठकर इंतजार करो। कब तक जवाब आएगा साई? जल्दी आ जाएगा ना। सबूरी सबूरी साई, अभी तक तो जवाब आया नहीं। क्या अभी तक जवाब नहीं आया? काफी देर हो गई है, अब तक तो भगवान ने जवाब दे दिया होगा। लेकिन कहाँ है जवाब साई? जवाब तो उसी खत में है जिसमें आपने अपनी समस्याएं लिखी थी। जाइए, अपने अपने पत्र ढूंढ लाइए। लेकिन साई, वो खत तो हमने हवा में उड़ा दिया, वो हमें वापस कैसे मिल सकता है? अगर आपको न्याय चाहिए तो आप दोनों को वो खत लाने ही होंगे। मुझे तो न्याय चाहिए, मैं वो खत ढूंढकर जरूर लाऊंगा। तो मैं क्यों पीछे रहूंगा? मुझे भी तो न्याय चाहिए। शाम दे भिक्षा दे माई,
रुकिए साईं। आप हमें रोज खाने के लिए अलग अलग चीजें देते हैं ना, आज मैं आपके लिए भिक्षा लाया हूँ। इसी बात पर मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। क्या? तो रुक जा। ये ले। ये तो गंदा है, इस पे काले काले धब्बे लगे हुए हैं। कई बार बाहरी स्वरूप से अंदर की वास्तविकता का पता नहीं चलता। ये देख, जैसे अगर किसी का शरीर गंदा हो पर फिर भी उसका मन, उसकी आत्मा तो साफ हो सकती है ना। ये तो बहुत स्वादिष्ट है, है ना? अब सोचो, अगर इसके बाहरी स्वरूप के कारण तुमने इसे लेने से मना कर दिया होता तो क्या इसकी मिठास का अनुभव कर पाते तुम? ये लो। राम जी भला करे। तुलसा ताई स्नान करके नहीं लौटी, मैं देख कर आती हूं। आप ये सब क्यों कर रही हो? घर की बहू अगर सफाई नहीं करेगी तो किसी को तो करनी पड़ेगी ना। इतना गंदा आंगन है, सफाई का ध्यान कौन रखेगा? हाँ, बारिश का मौसम है ना तुलसा, गोबर सूखने से पहले ही बह जाता है, और इसलिए तुम्हारी भाभी रुकी हुई थी, जिस दिन धूप निकले उस दिन करने के लिए। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, अंदर चल के पहले खाना खा लो, सब रुके हैं तुम्हारे लिए, चलो खाना। हाँ हाँ दादा, खाना खाना खाते, खाना खाना खाते। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? लगता है बहुत ज्यादा थकी हुई है इसलिए ऐसी चिड़चिड़ाहट। थकान में इंसान रिश्तों की मर्यादा भी भूल जाए, छोटे बड़ों का लिहाज भी भूल जाए, और एक तो ताई ने ऐसे मौसम में पूरे आंगन में गोबर फैला दिया। अब जब तक ये गोबर नहीं सूखेगा कोई भी आंगन में नहीं आ पाएगा।
चलो जो हुआ सो हुआ, चल के पहले खाना खा लेते हैं। चलो टिप टिप टप टप बारिश गिरेगी, गड्ढों में पानी की मस्ती भरेगी, कूदेंगे जाकर उसमें हम तो पानी उछलेगा चपक चपक चम। मल्हारी कूदना बंद करो और आकर खाना खाओ, अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बहुत भूख लग रही थी है ना, आओ। मैं तुमको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। क्यों मेरे बच्चे को परेशान करी, भाग। समझ में नहीं आ रहा क्या, एक बार बोला तो भाग, बोली ना भाग, बदतमीज कहेंगी, भाग। समझ में नहीं आ रहा, मेरी बात नहीं सुनेगी ना तो मरेगी। मैं दूसरी कटोरी लेकर आती हूँ। ये क्या कर रही हो आप, क्या हुआ? मक्खी तो थी, निकाल दी। ले तो अगर मक्खी खाने के पास भी आ जाए तो तुलसा खाना छोड़ देती थी। वाह, जवाब मिला। सुबह से शाम हो गई ढूंढते ढूंढते, पर खत कहीं नहीं मिला। अब कल सुबह जाकर साईं से ही पूछेंगे।
साई, बहुत खोजा पर खत कहीं नहीं मिला। हाँ साई, ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां हमने नहीं ढूंढा। अगर आप उसी समय खत वापस लाने के लिए कहते तो मिल भी सकता था, लेकिन आपने इंतजार करने के लिए कहा और वो उड़कर दूर चला गया। ऐसा भी हो सकता है कि बारिश पे कागज गीला होकर या पेड़ पौधे झाड़ियों में उलझकर फट गया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हवा उसे अपने साथ उड़ाकर किसी दूसरे गांव ले गई हो। उड़ा हुआ कागज कहां वापस आता है साईं? कुछ ऐसा ही हमारे शब्दों के साथ भी होता है। कुछ लिखकर कागज हवा में उड़ा दें या किसी के खिलाफ कोई झूठी या गलत बात कहें, दोनों का अर्थ एक ही है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अच्छी कहेंगे तो अच्छी और बुरी कहेंगे तो बुरी, लेकिन होती अवश्य है। और हां, एक बात हमेशा याद रखना, धनुष से निकला हुआ बाण और मुंह से निकले हुए शब्द, ये कभी वापस नहीं आते। पर मैंने इतनी बुरी बात तो नहीं कही थी साईं। ऐसे ही कभी मुंह से निकल गया इसके बारे में, मैंने कोई साजिश नहीं रची थी मां। आपने कागज पर लिखकर जो कुछ भी उड़ाया वो गली से मोहल्ले, मोहल्ले से गांव होता हुआ ना जाने किस गांव और कहां तक जा पहुंचा। ठीक वैसे ही जैसे आपने इनके बारे में जो छोटी सी बात कही, वो एक कान से दूसरे कान और दूसरे कान से होती हुई दुनिया जहां न जाने कहां कहां तक जा पहुंची। और इसका नतीजा ये हुआ कि आज इस इंसान का व्यापार ठप होने की कगार पर है, और कल अगर इसके बच्चे भूखे सोएंगे तो इसमें केवल आपकी मेहरबानी होगी। और तुमने क्या किया? तुमने इन्हें मार कर अपने मन को शांति दे ली, अपना गुस्सा ठंडा किया, पर क्या इससे तुम्हारा जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो गई? तुम्हारी समस्याओं का समाधान मिला तुम्हें? और इन पर हाथ उठाते हुए तुम्हें इनकी उम्र का जरा सा भी लिहाज नहीं आया? क्या तुम जानते हो कि इन्हें मधुमेह की बीमारी है? तुम्हारे दिए हुए जख्म, तुम्हारी दी हुई चोटें तुम्हारे लिए मामूली बातें हो सकती हैं, लेकिन इनके लिए ये प्राण घातक हो सकता था, क्योंकि मधुमेह के रोगियों की चोटें उनके घाव जल्दी नहीं भरते हैं। क्या तुम जानते हो खुदा नखास्ता तुम्हारे धक्का देने से अगर इन्हें ज्यादा चोट लग जाती तो इनके प्राणों की रक्षा के लिए इनके पैर को काटना भी पड़ सकता था। आपको कैसे पता चला साईं कि मुझे मधुमेह की बीमारी है? मैंने तो किसी को नहीं बताया अपनी बीमारी के बारे में। साई, मुझे नहीं पता था कि ये ऐसी बीमारी से ग्रस्त हैं। और सच कहूं तो उस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था।
जो हो गया उसे आप दोनों बदल नहीं सकते, पर हाँ अपने भविष्य को अवश्य सुधार सकते हैं हम। और आप, अगर आप किसी को अपना शिष्य मानते हैं तो पहले गुरु बनिए भी तो। क्या आप जानते हैं एक गुरु के लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा उसके अपने शिष्य की सफलता होती है। उसकी सफलता से गुरु को ईर्ष्या नहीं बल्कि उसकी सफलता पर उसे गर्व करना चाहिए। और तुमने खुद स्वीकार किया कि जब तक तुमने काम सीखा, पूरी ईमानदारी पूरी निष्ठा के साथ सीखा, और काम सीख लेने के बाद अपना कारोबार शुरू कर दिया, अपने गुरु से सारे संबंध सारे नाते तोड़ लिए तुमने। क्या काम छोड़ देने के बाद कभी अपने गुरु से मुलाकात करने की कोशिश की तुमने? क्या इनसे कभी कोई सलाह मांगी? गुरु और शिष्य का रिश्ता पूरे जन्म का होता है। हाथ या साथ छोड़ देने से ये रिश्ता नहीं टूटता। तुम्हारे इस व्यवहार से इन्हें बहुत आघात पहुंचा, अपमानित महसूस करने लगे ये। और रही सही कसर तुमने इन पर हाथ उठाकर पूरी कर दी। जबकि आप दोनों को एक दूसरे की गलतियों के साथ खुद की गलतियों का भी एहसास हो गया है, तो आप दोनों मुझे बताइए, निर्णय कीजिए कि किसकी गलती बड़ी है, कौन ज्यादा गलत है। साई, मैं गलत हूं, मैं भी गलत हूं साईं। कोई भी चीज मनुष्य अपनी मां के पेट से सीखकर पैदा नहीं होता। घर हो या बाहर, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए उसे एक गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु जो सदैव अपने शिष्य को बुलंदियों पर देखना चाहता हो सकता है कि कभी शिष्य की तरक्की गुरु के लिए या गुरु की महानता शिष्य के लिए ईर्ष्या का कारण बन जाए। परंतु इन परिस्थितियों से हमें एक चीज बचा सकती है, और वो है संबंध। जो संबंध गुरु और शिष्य के बीच में है उसे कभी ना भूलना, हमेशा उसे बनाए रखना। गुरु की आवश्यकता रहे या ना रहे, गुरु को हमेशा वही सम्मान देना जो पहले देते थे। गुरु की महत्ता को हमेशा बनाए रखना। शिष्य को चाहिए कि वो अपने गुरु का सम्मान करे, उसे कभी ना भूले, हमेशा उसे याद रखे। और गुरु को चाहिए कि वो अपने शिष्य से प्रेम करे, हमेशा हमेशा उसके लिए अच्छा सोचे, आशीर्वाद दे उसे, और हमेशा उसे अपनी दुआओं में याद रखे। तुलसा, एक बात बताओ, तुमने शिरडी तक की यात्रा कैसे तय की? बैलगाड़ी से आई, पैसे खत्म हो गए तो चलकर आई। सच सच बताओ, तुम्हारे ससुराल में सब ठीक है ना? मुझे कहा जा, अपने दादा के पास जा, शिरडी चली जा, दादा के पास जा।